ग्रामीण बच्चों के भविष्य से सरकारी अन्याय के खिलाफ शुक्रवार दिन को मनिका हाई स्कूल से मुख्य सड़क होते हुए प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न गांवों से प्रभावित बच्चे, उनके अभिभावक और ग्राम स्वराज से जुड़े संगठन के लोगों ने ग्राम स्वराज मजदूर संघ के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली, जो प्रखंड कार्यालय पहुंचकर आम सभा में तब्दील हो गई। रैली में शामिल लोग और बच्चे हाथों में तख्तियां लिए हुए अपनी बात कह रहे थे। तख्तियों में लिखा था, क्या चाहता है लातेहार, शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रपति का बेटा हो या गुलगुलिया की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। मौके पर मौजूद अर्थशास्त्री सह सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जया द्रेज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है और इसको हर हालत में पूरा करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि उन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जहाँ टीचर ना हो। उन्होंने बताया कि हर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए और हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। हम कई ऐसे बच्चों से मिले जो 5वीं कक्षा में हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा बेवकूफ़ है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकार बच्चों को पढ़ा नहीं रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरल ने कहा कि बच्चों को शिक्षा से वंचित करना एक हिसाब से देश को कमज़ोर करना है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। ये परिस्थिति अकेले मनिका की नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। झारखंड में 2016-17 के बाद से कोई शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई है। कानूनी प्रावधान के हिसाब से 44 विद्यालयों में 106 टीचर होने चाहिए, लेकिन केवल 44 हैं। इन स्कूलों को 62 टीचर और चाहिए। सभा को ग्रामीण मनोज सिंह, संतोष सिंह, बीना देवी, सकलदीप सिंह, छात्रा पायल कुमारी, जमुना देवी तथा ग्राम स्वराज मजदूर संघ की तरफ से श्यामा सिंह, नेमी देवी, प्राण, अपूर्व जोगेश्वर सिंह, लाल बिहारी सिंह, दिलीप रजक, महावीर परैया आदि ने संबोधित किया। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट।